नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हो वॉइस एमपी। जिस तरीके से लगातार वॉइस एमपी की टीम नीमच अफीम फैक्ट्री घुसकांड को लेकर हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है, वहां अगर बात की जाए जिस तरीके से लगातार अब ये मामला पूरा राजनीतिक रूप ले चुका है। इस वक्त जो मेरे पास बड़ी खबर आ रही है जहाँ पर बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने अब भारतीय जनता पार्टी पर शेयर लेने का आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता अब शेयर ले रहे हैं। इस तरह का आरोप कांग्रेस के बात की जाए तो कांग्रेस के मीडिया सेल के कोऑर्डिनेटर जो हैं नरेंद्र सलूजा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया। जिस तरीके से हमने आपने देखा था किस तरीके से मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने सीबीआई जांच की मांग की थी, सबसे पहले उन्होंने एक पत्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा था, उसके बाद पूरा मामला एक राजनीतिक रूप लेता हुआ दिख रहा था। तो वहीं अब इस पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस ने एक बड़ा आरोप लगाया कि सब जो कार्रवाई होनी थी वह कांग्रेस के और कांग्रेस की सरकार राजस्थान एसीबी की टीम ने की है, मध्य प्रदेश के सरकार ने नहीं किए। इस तरह के आरोप जो है कांग्रेस लगा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम इस मामले से जुड़ी बता रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो ऐसी भी खबर आ रही है कि एसीबी की टीम लगातार नीमच में तीसरे दिन है और यहाँ पर ही डेरा जमाए हुए हैं। नीमच अफीम फैक्ट्री में कर्मचारी अधिकारियों से पूछताछ करी, जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि नीमच अफीम फैक्ट्री से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए, जिस जहाँ पर शशांक यादव बैठता था उस वहाँ उस ऑफिस को भी सील किया गया। साथ ही नीमच अफीम फैक्ट्री में अभी हाल ही में जो खबर आ रही है बताया जा रहा है कि नीमच सैम्पलिंग जो हो रही थी, जो जाँच हो रही थी, उसको बंद कर दिया गया, लेकिन फिर एक और खबर आई कि जाँच अभी एक बार फिर शुरू कर दी है। साथ ही जो 150 सैंपल की बात आई थी कि नीमच में शशांक यादव नीमच अफीम फैक्ट्री जो 150 सैंपल फेल हो गए तो उन्हें गाजीपुर अफीम फैक्ट्री भेजा था, वहां पर पास हो गए, तो उस मामले को लेकर भी एसीबी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है और उस पर भी एक निगाहें बने हुए, एसीबी की टीम निगाहें बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो खबर हमारे पास आ रही है, जिस तरह की अपडेट हमारे पास आ रही है, बताया जा रहा है कि एसीबी की टीम गाजीपुर कभी भी पहुँच सकती है और वहाँ पर उनके निवास पर और वहाँ की फैक्ट्री में पूछताछ कर सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं कि एसीबी की टीम अब गाजीपुर पहुँचेगी और वहाँ पर अफीम फैक्ट्री में कर्मचारी अधिकारियों से पूछताछ करेगी। कुल मिलाकर अब जो शशांक यादव है उसके करीबी जो कर्मचारी अधिकारी थी उन पर भी एसीबी की नज़र है और साथ ही जिस तरीके से लगातार हम कह रहे हैं कि इस पूरी कड़ी में, इस पूरी सिंडिकेट में एक महत्वपूर्ण रोल दलालों का है, मुखियाओं का है, जो इस वक्त भूमिगत नजर आ रहे हैं। जो साथ ही बात की जाए जिस तरह से अजीत की बात की जाए, दीपक की बात की जाए, तो वे नीमच अफीम फैक्ट्री में एक महत्वपूर्ण सिंडिकेट चला रहे थे। उसके बाद शशांक की बात की जाए तो वे लगातार नीमच गाजीपुर अफीम फैक्ट्री का उनका पदभार था, लेकिन वे किस तरीके से किसानों को लूटने का काम ये तीनों कर रहे थे। साथ ही जो हमारे पास खबरें आ रही है ऐसा माना जा रहा है कि इसमें कुछ सूत्र कुछ एजेंसियों को पता चला है कि किस तरीके से ये एक सिंडिकेट चल रहा था और वहाँ तक लोगों तक और जो दलाल है जो मुखिया उन तक भी पहुँचे और साथ ही जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि दलालों ने अब किसानों को पैसे लौटाना भी शुरू कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अगर बात की जाए तो यह है कि गाजीपुर में भी एसीबी की टीम जा सकती है और वहाँ पर अफीम फैक्ट्री में जो पदस्थ कर्मचारी है उनसे पूछताछ कर सकती है। साथ ही अगर बात की जाए तो उनके निवास पर जाकर भी कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए जा सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस तरह के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।